हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल आईसीएमई एजुकेशन। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सीरीज फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले से बता दूं कि ये गेट 2016 में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आया हुआ है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए कुछ ज्यादा टफ नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने जो प्रीवियस वीडियो अगर आप देखे होंगे तो मैंने वहां पे बात किया हुआ है सर्कल के पैरामेट्रिक फॉर्म और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म के बारे में, मतलब पोलार फॉर्म के बारे में मैंने पूरा डिस्कशन किया हुआ है। अब मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी चलो हम डिस्कस तो करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या लिखा हुआ है कि अगर मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास इंटीग्रल गिवन है यहाँ पे 1/2π और डबल इंटीग्रेशन की बात हो रही है। और ये डी गिवन है यहाँ पे, ठीक, और गिवन है अपने पास x + y + 10 और डबल इंटीग्रेशन मतलब दो वेरिएबल्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होने वाले हैं। ओके, वे डी क्या अपने पास? सर डी एक डिस्क है। सर डिस्क का जो शेप होता है, अगर आप डिस्क को देखते हो तो वो सर्कल शेप में होता है ना, और सर्कल शेप के लिए आपके पास यहाँ पे इक्वेशन भी गिवन है। और वो इक्वेशन आपके पास क्या लिखा हुआ है? डिस्क। ये इसका मतलब है कि ये अपने आप में एक सर्कल को शो कर रहा है, और सर्कल इक्वेशन कुछ गिवन है x² + y² ≤ 4। ठीक, अब सर आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक लेस देन का साइन लगा हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि सर्कल का जो इक्वेशन होता है, सर्कल इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो ये होता है x² + y² = r². सर लेस देन का साइन यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, ध्यान से मेरी बात समझना आप लोग। ठीक, तो यहां पे मेरे पास अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मेरे को सेंटर क्या मिलेगा? सर 0,0। और रेडियस, रेडियस क्या मिलेगा मुझे यहां पे? रेडियस की अगर बात करते हैं तो मुझे मिलेगा 2। ठीक, r² = 4 हो गया, तो वैल्यू r के आगे अपने पास 2। अब ये लेस देन का जो साइन यहां पे लगा हुआ उसका मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं यहां पे इसी सेंटर और रेडियस को लेके यहां पे फिगर बनाता हूं तो अपने पास ये हो गया x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक, ये जो फिगर बनेगा अपने पास ये कुछ इस टाइप से बनने वाला है। ठीक, इसका वैल्यू हो जाएगा 2,0, ये हो जाएगा 0,2, यहां पे आप बोलोगे -2,0 और ये वैल्यू अपने पास 0,-2 और इसका ये अपने पास सेंटर होने वाला है, ओरिजिन 0,0। ठीक, ये अपने पास फॉर्म हो चुका है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि x² + y² = 4, ये लेस देन का मतलब ये है कि अपने को सर्कल के इनसाइड की बात करनी, इनसाइड एरिया की बात करनी है, और वही इनसाइड एरिया के लिए आप देखोगे डबल इंटीग्रेशन यहां पे यूज हो रहा है। मतलब अपने को पूरे सर्कल में यहां पे बात करनी है, किसके लिए? इनसाइड द सर्कल। ठीक, अगर अगर यहां पे बोलता कि यहां पे ग्रेटर का साइन होता तो ग्रेटर के लिए मैं आउटसाइड द सर्कल बात करता, लेकिन मुझे यहां पे बात करनी किसके लिए? लेस देन के लिए बात करनी है, लेस देन इक्वल टू 4। तो मैं बोलूंगा कि यहां पे लेस देन इक्वल टू 4 की लगेगा इनसाइड द सर्कल। ठीक, अब बात आती है यहां पे कि अगर मैं इस क्वेश्चन को देखने वाला हूं तो यहां पे लिखा हुआ है x + y + 10 dx dy। ठीक, इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को मैं यहां पे पोलार फॉर्म में लेके जाने वाला हूं ताकि आप इस क्वेश्चन का एक और टाइप का सॉल्यूशन देख सको और आप समझ सको, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रिप लेके हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए वर्टिकल एक्सिस मतलब वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अभी इस टाइप के क्वेश्चन को अगर मैं पोलार फॉर्म में लेके आता तो अब कैसे दिखने वाला है, ध्यान से देखना आप लोग। ठीक, तो मैं यहां पे यूज करने वाला हूं पोलार फॉर्म, तो मैं लिखूंगा यहां पे यूजिंग पैरामेट्रिक या पोलार फॉर्म ऑफ सर्कल, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो पोलार फॉर्म। ओके, तो पोलार फॉर्म की अगर बात करता हूं तो मेरे पास है x = r cos थीटा और y = r sin थीटा। ठीक, अगर आप लिखते हो, आप लिखोगे x² + y² = r² और आप दूसरी चीज क्या लिखोगे? सर θ = tan inverse y/x। ये दो चीज आपको तो बिल्कुल पता ही होना चाहिए एक पोलार फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए, r कॉमा थीटा के लिए। ठीक, अब बारी आती है सर इस क्वेश्चन को सॉल्व अपने को करना है। तो सॉल्व करने के लिए अपने पास ये जो गिवन है,
क्या गिवन है? इंटीग्रेशन सर dx dy के फॉर्म में, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। अब इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पे पोलार फॉर्म को लेके आने वाला हूं, तो मैंने ऑलरेडी पोलार फॉर्म के वीडियोस बना के रखे हैं, जैसे आपको मैंने बोल के रखा है। तो जब मैं x और y को यहाँ पे चेंज करने वाला हूं, किसमें सर? x और y जो वेरिएबल है, अब ये वेरिएबल चेंज होगा r कॉमा थीटा में। मतलब कि मैं, आप ये समझ लो कि मैं वेरिएबल को चेंज कर रहा हूं, वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, और मैं पुट कर रहा हूं x is equal to r cos theta, y equal to r sin theta। अगर वेरिएबल चेंज होगा तो कंफर्म है कि लिमिट भी चेंज होंगी। यहाँ पे x और y की लिमिट यहाँ पे कुछ और थी, और r कॉमा थीटा की लिमिट्स भी कुछ और अब हो जाएंगी। और उसके बाद जब आप किसी भी इंटीग्रेशन पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हो, तो आप क्या करते हो सर? आप वहां पे dx या dy जो लिखा होता है उसको अपन दूसरे वेरिएबल में चेंज करके लिखते हैं, या लिखते हैं dr या d थीटा। अब वो चेंज कैसे होता है देखो, यहां पे मैंने बोला कि सर ये हो गया dx dy, ये जो लिखा है मेरे पास डबल इंटीग्रेशन के लिए, और ये फॉर्म होता है अपने पास। आप देखोगे मेरे पास कितने वेरिएबल है सर? दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मैं यहां पे जैकोबियन को लाने वाला हूं, और जैकोबियन अपने पास होता है r कॉमा थीटा के लिए। ठीक, अब ये अपने पास लिखा हुआ है r कॉमा थीटा। अब जब निकालेंगे जैकोबियन, अपन किसका जैकोबियन निकाल रहे हैं यहां पे सर? जैकोबियन निकाल रहे हैं x और y का इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। यहां मैंने लिखा r कॉमा थीटा, और ये हो जाएगा dr d थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, अब सर ये जैकोबियन होता क्या है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है, लेकिन फिर भी चलो बता देता हूं। यहां पे r कॉमा थीटा अगर आप इसको सॉल्व करते हो, तो बात हो रही मेरे पास यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, और जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो वहां पे हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। और जब पार्शियल डेरिवेटिव की बात होती है तो वहां पे जैकोबियन एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब मैं यहां लिखूंगा सर डी एक्स डिवाइड बाई डी आर, डी y डिवाइड बाई डी आर, ये अपने पास ये पार्शियल डेरिवेटिव्स, और डेल x बाय डेल थीटा, और डेल y बाय डेल थीटा। ठीक, और इसका ये डिटरमिनेंट अपन निकालने वाले हैं। तो यहां पे इसको सॉल्व करोगे तो x का r के रिस्पेक्ट में आप करो तो r के रिस्पेक्ट में आपको क्या मिलेगा सर? cos थीटा। y का r के रिस्पेक्ट में आपको मिलेगा सर sin थीटा। x का थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको मिलेगा यहां पे माइनस r sin थीटा। ठीक, और यहां पे आपको मिलेगा r cos थीटा। चलो इसका डिटरमिनेंट अपन सॉल्व कर लेते हैं। सो डिटरमिनेंट सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा? r cos स्क्वायर थीटा प्लस r साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स ये हो गया अपने पास r। तो मैं आप लिख सकता हूं कि एक्चुअली में यहां पे जो dx और dy लिखा हुआ है, ये है क्या अपने पास सर? r dr d थीटा है। तो सारे वेरिएबल्स यहां पे चेंज होने वाले हैं, तो इसका आप लोग नोट कर लो, फिर अपन एक्चुअल इसके सॉल्यूशन पे आएंगे। ठीक, तो ये जो फॉर्म आप देख रहे होंगे कि ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि आपको इस वीडियो में क्लैरिफाई हो जाए, अदरवाइज आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि सर dx dy जो डेरिवेटिव आपने लिखा हुआ है ये r dr d थीटा के इक्वल होता है। पता चला आप एग्जाम में इसको कैलकुलेट करने लग गए, नहीं, आपको टाइम वेस्ट होगा इसमें। आपको सिर्फ वहां पे जाके याद रखनी है और डायरेक्ट लिख देना है अगर इससे क्वेश्चन आ गए तो। ठीक, ओके, सो यहां पे आ गया, हम लोग यहां इसको कैलकुलेट करते हैं। सो इंटीग्रेशन अपने को यहां पे गिवन है, सबसे पहले डबल इंटीग्रेशन की बात हो रही है। x की वैल्यू मैं यहां पे क्या पुट करूंगा सर? x की वैल्यू अपने पास है r cos थीटा प्लस r sin थीटा, ये पता है अपने को सारी वैल्यूज यहां पे। और उसके बाद आगे क्या लिखी हुई है? प्लस 10 भी है, ये हो गया अपने पास प्लस 10। और dx dy क्या लिखा था हम लोगों ने सर? dr r d थीटा, ये वैल्यूज। अब अपने को अगर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को सॉल्व करनी है तो अपने को लिमिट्स पता होनी चाहिए, और लिमिट्स इस बार किसकी निकलेगी? x और y की, r कॉमा थीटा की। सर x y तो हट चुका है, खत्म वो। अब अपने पास यहां पे वेरिएबल आ चुके हैं पोलार फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म r और थीटा के लिए। तो r और थीटा के लिए अपन लिमिट्स यहां पे देखने वाले हैं। तो एक्चुअल में ये r होता क्या है? ये r होता है अपने पास इस सर्कल का, या कोई भी फॉर्म अपने पास बने रहेगा उसका ओरिजिन से लेके डिस्टेंस, ये होता है अपने पास r। और आप देखोगे जो डिस्टेंस मेरे पास यहां पे बना हुआ है, अब सर्कल का ओरिजिन से या उसके सेंटर से डिस्टेंस देखेंगे तो वो क्या होता है सर? रेडियस ही तो होता है वो। इसका मतलब है कि यहां पे डिस्टेंस आपको दिख रहा है ओरिजिन से लेके 2 तक, मतलब कि आप बोलोगे सर यहां पे जो r की लिमिट बनेंगी, यहां पे r की लिमिट देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, r की लिमिट यहां पे सर ये हो जाएगा 0 से लेके 2 तक का पार्ट। ठीक, और
वैसे ही अगर अपन थीटा को देख रहे हैं यहाँ पे, तो सर थीटा कहाँ पे, थीटा क्या लिखा है अपने पास, थीटा होता क्या है सर? अगर अपन पूरे रीजन को कवर कर रहे हैं तो थीटा एक्चुअल में होता है इस हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अपन एंगल देखते हैं। तो ये रिस्पेक्ट के अगर अपन एंगल यहां पे देख रहे हैं तो ये हो गया अपने पास थीटा। और जब मैं इसका पूरा एक कंप्लीट एरिया इस रीजन का यहां पे निकालूंगा, इस पूरे डिस्क को मैं कंसीडर करूंगा, तो मैं जीरो से लेके यहां पे पूरा 360 डिग्री तक कवर कर रहा हूं। दैट मींस थीटा की जो यहां पे लिमिट बनेंगी वो बनेंगी यहां पे जीरो से लेके सर 2π तक। क्या आपको इसमें कोई दिक्कत हुई? यहां पूरे सर्कल को, पूरे रीजन को अपने कवर करना है, दैट मींस आर की लिमिट हो गई जीरो से लेके टू तक, क्योंकि वो डिस्टेंस हो गया ओरिजिन से लेके हर एक पॉइंट तक का डिस्टेंस। और वैसे ही अपने पास यहां पे रेडियस ये तो आ चुका है टू, और थीटा की बात कर रहे हैं तो थीटा क्या होगा, पूरे सर्कल को अपन यहां पे यूज करेंगे, दैट मींस जीरो से लेके 2π तक। ओके, अब आगे इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से अपने को यहां पे मिलने वाला है सर, ये हो जाएगा अपने पास r cos theta, r sin theta, और अभी भी यहां पे r बचा हुआ है। दैट मीन्स मैं लिखूं यहां पे 0 से लेके 2π, 0 से लेके 2, ये हो गया r square cos theta plus यहां पे हो जाएगा मेरे पास sin theta, और यहां पे 10r, ठीक, और यहां पे dr d theta, ये आपने यहां पे लिख दिया। ठीक, अब इसको अगर मैं इंडिविजुअली सॉल्व करता हूं तो आपको मिलेगा 0 से लेके 2π। ठीक, R के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पहले अपने को परफॉर्म करना है, तो आप क्या लिखोगे सर, R क्यूब डिवाइड बाय 3, ठीक, और कांस्टेंट ये बाकी हो गया अपने पास, तो मैं लिखूंगा यहां पे cos theta plus sin theta, ये हो गया अपने पास 0 से लेके 2 तक का लिमिट, प्लस 10R की बात कर रहे हैं तो 10 हो जाएगा R square by 2, और आप लिखोगे लिमिट 0 से लेके 2 तक। ठीक, और इसी को अपने को आगे जाके स्टेप में थीटा के रिस्पेक्ट भी तो इंटीग्रेशन करना है अभी। ठीक, और लिमिट्स बस पुट करनी है, तो लिमिट पुट कर लेते हैं, बड़े केयरफुली आपने को रहना है यहाँ पे। तो 0 से लेके 2π, ये हो गया 8, ये 8 डिवाइड बाय 3, और आप लिखोगे यहाँ पे cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक, प्लस सर ये हो गया अपने पास 5, और आप लिखोगे 2 स्क्वायर मतलब 4, ये तैयार। ठीक, और थीटा के रिस्पेक्ट में आपने को इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे, तो 8/3 जब मैं यहां पे इंटीग्रेशन देखूंगा, ध्यान रखना आप लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं अभी यहां पे, सो इंटीग्रेशन परफॉर्म करते टाइम अभी अपने पास जो बचा हुआ है ये 1/2π, इस फॉर्म को अपन लेके आएंगे लास्ट में। ठीक, मैं इंटीग्रेशन आपको बता दिया हूं, अभी ये फॉर्म अभी भी बचा हुआ है, ध्यान रखना है इसका। ठीक है, चलो अगर मैं थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरे पास कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये माइनस कॉस, ये आप देख सकते हैं यहां पे। ठीक, और प्लस 20, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पे आ जाएगा थीटा, और 0 से लेके 2π लिमिट्स, ये 0 से लेके 2π। ठीक, अब आते हैं इंटीग्रेशन में यहां पे 8/3, अब इसका आप लिमिट पुट करोगे तो साइन 2π साइन 0, ये तो 0 हो गया। ठीक, 0 माइनस 0 ये हो गया अपने पास। अब लोअर लिमिट पुट करोगे तो साइन में अगर आप 2π पुट किए, 0 पुट किए, दोनों 0 मिल गया आपको, समझ में आ रही बात। अब मैं इसकी बारी आती है, यहां पे जब आएंगे cos 2π कितना होता है अपने पास, cos 2π सर cos 2π होता है 1, और ये 1, ये भी 1, cos 0 1। ठीक, और यहां पे आप लिखोगे सर 20 into 2π, ये अब यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इंटीग्रेशन आप देखोगे सर 0 ये हो गया, ये भी 0 हो गया, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट 0 अपने पास, और अपने पास बच रहा है 20 into 2π। ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन में अभी भी 2π 1/2π बचा हुआ है, तो इंटीग्रेशन एक्चुअली में कितना हो गया 1/2π, ये 1/2π इंटू यहां पे अपने पास है 20 into 2π, ये जो अभी इसको सॉल्व करने पे आंसर आया है, इसका मतलब इंटीग्रेशन का आंसर अपने पास आ चुका है कितना सर 20। तो अपने आप में ये क्वेश्चन डिफिकल्ट थोड़ा है, कब सब जब आपको सॉल्व करने नहीं आ रहा है, मतलब इसको क्वेश्चन को अपने को अप्रोच कैसे करना है, क्यों, क्योंकि आप जब इसको कार्टेशन पे लेके जाओगे, आंसर आ चुका है अपने पास, जब इस आपको कार्टेशन पे लेके जाओगे तो एक्स भी है और वाई भी फंक्शन है, और दोनों को आराम से आप मैनेज नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस क्वेश्चन को पोलार फॉर्म में लेके आया जाए, आपको इससे कॉन्सेप्ट भी बताया जाए कि पोलार फॉर्म से भी डबल इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन था, 2016 इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आया था, और इसका आंसर है बोलने वाला हूं 20। ठीक, तो हम लोग यहां पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे फिर से अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे। बाय बाय क्लास, थैंक यू।